बच्चे ठीक है? कहाँ थे इतने दिनों? मैं दरअसल रोम, ईरान, बेरूत, पश्चिम दुनिया से होता हुआ यहाँ पहुँचा। अच्छा अच्छा, सुना वो छोटे बच्चे का क्या हाल है? बस बहुत शरारती करते, शरीर हो गए जरा। हाँ बच्चे तो शरीर होते हैं, वो हमारी भाभी का क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। कितनी भाभी है खैर से? तीन है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सा सामान खरीद डाला, उठा लूं। अरे मियाँ क्या जरूरत है, शर्मिंदा क्यों करते हो? शर्मिंदा क्यों होते हैं जी, इसमें शर्मिंदगी की बात ही क्या है, जो चाहे दे दीजिएगा। क्या मतलब? मजदूर हूँ यार शेख, और भूखा भी हूँ। अबे मजदूर के बच्चे, हम खा मेरा वक्त जाया कर दिया। मैं समझा तू मेरी बीवी का रिश्तेदार है, जो सबकी खैरियत मालूम कर रहा है। चल परे हट, मैं ये सामान खुद उठा लूंगा। चल चल मजदूर कहीं का। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। बड़ा सौदा खरीद लिया है आज आपने? जी हाँ, मगर आप कौन हैं? जी मैं मजदूर हूँ, उठा लूँ ये सामान। नहीं, मेरे साथ लड़का है। ये लड़का? ला हौल वला कुव्वत जी, ये लड़का तो सूरत से बड़ा बेईमान चोर उचक्का लगता है, ये तो आपका सामान उठा कर भाग जाएगा। बदतमीज गधे, तुम कौन होते हो मेरे लड़के को चोर कहने वाले? ओह तो ये आपका अपना लड़का है? फिर तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा है, देखना। वाह 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 वाह, उठाना सामान। नहीं दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। ये मजमा कैसा है? यहाँ चोर घुसाया भाई। चोर घुसाया? तेरा बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क तुम्हारा, ये क्या बात है लड़को? आपके घर में चोर घुसा है भाई जी? माई होगी तेरी माँ, माई होगी तेरी बहन, माई होगी तेरे अगले पिछले। आए देखो क्या जमाना आ गया है, मुझ लो खेस को माई कहने लगे हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, अभी अभी एक आदमी ने आपके घर में चोर घुसते देखा है। हाँ 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 चोर घुस, अरे ये मेरा घर है, कोयाली बाबा का मकान नहीं है, उसकी घर नहीं। शायद वो आपसे आंख बचाकर घुस गया हो, एक नजर देख तो ले। आए हाय तुम्हारा बेड़ा गर्क, क्यों मुझे पूरे अरब में बदनाम करते हो? अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो वो मेरा रिश्ता तोड़ देंगे। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मगर वो मेरे
मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। मैंने उसकी शक्ल पहचान ली है, कहीं भी मुझे मिल गया मैं फौरन उसको काजी साहब के पास ले जाऊंगा और उसके हाथ कटवा दूंगा। चलो आइयो, चलो उसे ढूंढे। मालूम होता है यहाँ नहीं आया। अच्छा माई जी, मोहतरमा माई कहने लगा है। मोहतरमा जरा अंदर तशरीफ लाइए। मोहतरमा दिलों का हाल जानती है और आज मोहतरमा बहुत थक चुकी है, तुम अपना वजीफा कल कर लेना। जरा आइए तो सही अंदर। और आए भगत, आज तुम्हें कान पकड़ने की जरूरत नहीं। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं भला कौन होता हूँ माफ करने वाला। ये क्या कह रहे हो रहमान? आज तुम्हें फैसला करना होगा बदर, चोरी छोड़ना होगी या फिर मुझे छोड़ना होगा। इतनी बड़ी कड़ी शर्त न लगाओ रहमान, चोरी छोड़ दूंगा तो भूखा मरने लगूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा तो एक अच्छे दोस्त से महरूम हो जाऊंगा। लेकिन मैं आज फैसला चाहता हूँ, चोरी तुम करते हो, शहर मुझे छोड़ना पड़ता है। मैं पहले भी तुम्हारी वजह से 3 शहर छोड़ चुका हूँ, आज यहाँ के लोगों ने भी तुम्हें पहचान लिया है। छोटा चोर मैं इसलिए जल्दी पहचाना जाता हूँ, बड़े चोर को कोई नहीं पहचानता और अगर पहचान भी लेता है तो डर के मारे खामोश हो जाता है। तुमने मुझे कहा था रहमान कि ईमानदार हो जाओ, मैं ईमानदार हो गया लेकिन मैं भूखा मरने लगा। तुम मुझे बताओ रहमान कि ईमानदार आदमी भूखा क्यों मरता? यह तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन से ईमानदार आदमी? मैं चोर जरूर हूँ रहमान, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। बेईमान होता तो आज महलों का मालिक होता। बकवास करते हो, तुम्हारी आदत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। जिस शहर में मजदूरी मिलने लगती है तुम्हारी चोरी की वजह से छोड़ना पड़ जाता है। तंग आ गया हूँ, कहीं भी तुम्हारी वजह से चैन से बैठना नसीब नहीं होता। कैसे दोस्त हो बदर? तुम ठीक कहते हो रहमान, मेरी दोस्ती तुम्हें चैन से नहीं बैठने देती। रहमान मुझे उन लोगों के हवाले कर दो और ये झगड़ा ही खत्म कर दो। बदर और रहमान, उस हाथ को कट ही जाना चाहिए जो अपने दोस्त का सुकून छीन ले। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ रहमान, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। सुना है बुरे आदमी को बुराई का एहसास हो जाए तो वो फरिश्ता बन जाता है। तुम भी चोरी छोड़ दो बदर, वादा करो बदर कि अब तुम चोरी नहीं करोगे। रहमान एक चोर के वादे पर यकीन कर लो। चोर के नहीं, अपने दोस्त बदर के वादे पर। तो फिर मैं आज से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तू आज से ये शहर छोड़ दे और मैं आज से चोरी छोड़ता हूँ। चलो चले रहमान, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। आओ रहमान।
अरे अरे ये सफियों की थैली। दोनों से मिलकर इतने से लड़के को क्यों मारे हो? अबे क्या? अबे तुम आराम से बैठे हो, अपने साथी की मदद करो ना। अबे इन दो चूंचों के लिए अकेला ही काफी है उस चक्के। देखा मेरा शागिर कितना बहादुर है, सबको मार मार के गीदड़ बना दिया। कभी कभी मुझे भी मुर्गा बना देता है। अभी तुम्हें कभी घोड़ा नहीं बनाया? नहीं। अच्छा? ओ। बड़े बहादुर हो तुम। मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो और ये शरफ ये कहाँ से ली? कहीं से भी नहीं, ये तो मेरी अपनी है। अबे उल्लू की तुम, कभी तेरे बाप ने भी इतनी अशरफियाँ देखी है जो ये तेरी हो गई? ये तो तू चोर लगता है। चोर? हाँ मैं चोर हूँ। तू भी चोर ही निकला? अरे तू भी चोर है। अरे गले तो मिलने जालिम। अरे शुक्र है खुदा का इस परदेश में कोई तो अपना रिश्तेदार निकला। तुम्हारा नाम क्या? हबीबी। हबीबी हबीबी नाम भी बड़ा अच्छा है, अम्मा आएगा हबीबी हैया हैया। बदर माफ करना यार, मैं जरा जज्बाती हो गया था। ले भाई तेरा मेरा साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तौबा कर ली। तौबा? किस चीज से? और तुम दोनों कौन हो? ये रहमान है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा गुर्दा है और मैं बदर हूँ। अक्सर शहर बदर रहता हूँ। वो क्यों? इसलिए कि अपना काम है चोरी का। मेरा मतलब है कि चोरी हो जाने वाले सामान की तलाश। परदेसी मालूम होते? जी हाँ बिल्कुल, अजनबी है, मुसाफिर है। यहाँ मजदूरी की तलाश में आए थे मगर मजदूरी नहीं मिल सकी। यहाँ थोड़े फासले पर शहर है, चले चलो शायद तुम्हारा काम बन जाए। अच्छा वहाँ कहवा खाना भी होगा? है। वहाँ खाना भी होगा? हाँ है। तुम्हारे पास कुछ अशरफियाँ भी होंगी? हाँ बस ठीक है, हमें दो तीन अशरफियाँ उधार के तौर पे दे दो, पर्स वापस कर देंगे। कर्ज की क्या जरूरत है, तुमने मेरी जान बचाई हो, आज तुम दोनों मेरे मेहमान हो। अरे सुना रहमान तुम कितने अच्छे हो। अरे अरे लड़कियों की तरह शर्माना छोड़ दो और मेहमानों को चल के खाना दो, इसका सिल्ला अल्लाह से पाओ। चलो 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 ठीक मान यार, ये जरा उठाना, ये अब ऊंट से चले। अरे इसको यार बिठाओ जरा। चलो अल्लाह के नाम पे बाबा, 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 अल्लाह के नाम पे बाबा। अबू अब्दुल्ला इसका ख्याल रखना, इसको खजूर के नीचे बांधना और उसको दो तीन फिर खजूरें खिलाना। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के
है बाबा। अबे जलजले का बच्चा ताकत आजमाना चाहता है, ले अब मेरे हिला के बता। बाबा हट जाओ, खुदा के लिए हट जाओ। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गिरफ्तार करो इस बागी को, छोड़ मुझे। बूढ़े आदमी को इस तरह मारते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकारी काम में मुदाखलत करने वाले तुम कौन हो? हट जाओ। तुम बूढ़े को इस तरह नहीं मार सकते, ये कानून के खिलाफ वर्जी है। तू कानून को क्या जानता है? मैं कानून जानता हूँ दरोगा, मैं कानून के नाम पर तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अगर ये मुजरिम है तो इसे कोई तकलीफ दिए बगैर गिरफ्तार कर लो। कानून अजनबी मालूम होते हो? जी हाँ, हम यहाँ परदेसी हैं। जब ही इन जालिमों से टकरा गए, मुद्दतों बाद यहाँ किसी ने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खंजर फेंक कर मेरी जान बचा ली। ये मेरा फर्ज था बेटे, मेरा खंजर अपना शिकार पहचानता है। अस्सलामुअलैकुम या शेख, मेरा नाम बदर है, मैं अक्सर शहर बदर रहता हूँ। और हाँ, सिमसन से तो आप मिल चुके हैं, और दलाला जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। भला
इन नशीली आंखों से बचकर हम जा भी कहां सकते हैं? हर वक्त खफा ही रहती हो जाने में, आखिर ऐसी नाराजगी किस बात की? तुम इससे बात करो जाफर, मैं तुम्हारी बहन। सगी बहन तो नहीं हो ना, चचादाद बहन हो, और चचादाद बहन से मोहब्बत भी की जा सकती है और शादी भी। तुम जैसे वारा और बुजुर्ग इंसान की बीवी बनने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। आए, आए। इन्हीं अदाओं पे तो हम कुर्बान हुए जाते हैं, गुस्से में तो और भी प्यारी मालूम होती है। आज बाबा आ जाए, उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। उन्हें यकीनन मेरे इस इंतखाब पर खुशी होगी। लुबना बेटी, बाबा आ गए, उन्हें कुछ ना कहना, मैं तो यही दिल लगी कर रहा था। जीती रहो बेटी, ये मेरे शहीद भाई की बेटी लुबना है और ये मेरा बेटा जाफर। और इनकी तारीख? मेरा नाम रहमान है। और मुझे बदर इब्ने गदर कहते हैं। हाथ में नहीं है। और जो पहना है इसे खदर कहते हैं, इसे चदर कहते हैं, इसीलिए काबिल कदर कहते हैं। और बदर मेरा नाम इसलिए है कि मैं अक्सर शहर बदर रहता हूँ। वो क्यों? हाँ, वो मुहतरमा इसलिए है कि जब मुझे नौकरी यानी कि मजदूरी नहीं मिलती तो मुझे मजबूरन रात को बता दो। हाँ बता दो कि तुम फिर रात को शहर के बाहर ऊँट चराते हो। ये भी तो मजदूरी ही है, मांग कर खाने से तो बेहतर है कि आदमी दूसरों के ऊँट चरा ले। क्या फरमाया आपने, ऊंट चुरा ले? आपने तो मेरे मतलब की बात कह दी और यही बात मैं रोजाना रहमान को कहता हूँ, मगर ये मानता ही नहीं। अब देखो ना, क्या बेचारा बेवकूफ है। खासे बेतकल्लुफ दोस्त मालूम होते। बेटी लुबना, आज एक अरसे के बाद किसी मुसलमान ने काफिरों से टक्कर लेने की जुर्रत की है और वो बहादुर नौजवान ये रहमान है। फिर तो ये बड़े बहादुर हुए बाबा, खुदा करे सारे मुसलमान इन जैसे हो जाए। मुसलमानों पर सारी मुसीबतें इन्हीं जैसे बहादुरों की तलाई रही। मैं कहता हूँ आखिर उनसे लड़ने की जरूरत ही क्या? जाफर, तुम जैसे बुजुर्ग जब तक मुसलमानों में मौजूद है, काफिर मुसलमानों पर हुकूमत करते ही रहेंगे। बेटे, ये आप लोगों का अपना घर है, आज से आप दोनों यही रहेंगे। बाबा, हमारा एक साथी और भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे भी ढूंढ लाऊं। नहीं बेटे, हो सकता है शाही प्यादे तुम्हें ढूंढ रहे हों, मैं तुम्हारे साथी को तलाश करने की कोशिश करूंगा। वो बेचारे कावा खाने में मुझे तलाश कर रहे होंगे। वो कौन? आज दो नौजवान मिली थी, एक तो सूरत ही से गधा मालूम होता था मगर दूसरा बहुत बहादुर था। वो बेचारे मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन रहमान ने तलवार के ऐसे जौहर दिखाए कि बस मजा आ गया। उसने तलवार की वो जौहर दिखाए और मुझे तुम्हारी वजह से रोज झूठ के जौहर दिखाने पड़ रहे हैं। तुम्हारे आने से चंद में पहले बादशाह सलामत ने तुम्हें याद फरमाया था और मैंने तुम्हारी तबीयत की खराबी का बहाना बनाया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। सहेली हो तो तुम जैसी हो, मैं बहाने बनाती रहूं और तुम लड़का बनकर चटपटी चीजें खाती रहो। तुम तो शहजादी हो, बच जाओगी, मगर ये भेद किसी दिन खुल गया तो मुफ्त में मैं मारी जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता मेरी जान। नीलोफर, जो मजा करतबा चौक के चटपटे खानों, भुनी हुई कलेची और बारह मसाले की चाट में, वो महल के खानों में कहां। अगर तुम चाहो तो वो चीजें यहाँ भी आ सकती हैं, मगर तुम्हें तो सैर तफरी का बहाना भी चाहिए ना। हाँ नीलोफर, और आज मुझे इस बहाने ये भी पता चल गया कि हमारी हुकूमत की बुनियादें जुल्म पर रखी गई हैं, और फिर जो मजा बाजारों में आजादी से घूमने फिरने में है वो महल में नहीं। काश मैं शहजादी की बजाय एक गरीब लड़की होती, तब तो तुम महलों के ख्वाब देखा करती। ख्वाब ही देखती ना, मगर अब तो जागती आंखों से अपनी कैद का तमाशा देखती हूँ। हजारों पाबंदियां हैं जो मुझे हर वक्त घेरे खड़ी रहती है। मैं इन पाबंदियों से आजाद होना चाहती हूँ नीलोफर। शहजादी साहबा, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। लो हो जाओ आजाद, चलो बीमार बनो। शेख लाए आलम पना। क्या हुआ हमारी बेटी को? बहुत जोर का दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है कहाँ? यहाँ। दिल के करीब? दिल के अंदर। अब्बा हुजूर, बीमारी तो बहुत खतरनाक होती है। मैंने भी यही सुना है। फौरन शाही हकीम को तलब किया जाए। घबराओ नहीं बेटी, हमने हकीम को बुलवा भेजा है।
तुम्हें इनसे मिलाऊं। ये अहमद है, बोल नहीं सकता। इसने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, सालिमों ने इसकी जुबान काट दी। ये अब्दुल है, कभी बेहतरीन शमशीर जन था। इसने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई, सालिमों ने इसके हाथ काट दिए। ये मामून है, इसने जालिम की आंखों में आंखें डाली थी, उसने इसकी आंखें निकाल ली। और ये हारून है, इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसके जवान बेटे ने हाकिम शहर के हाथों एक मुसलमान लड़के की आबरू बचाई थी, लिहाजा उसे शहीद कर दिया गया। और ये बूढ़ा अपने दिल पर जवान बेटे की मौत का दाग लिए हर वक्त आसमान की तरफ तकता रहता है कि खुदा की बेआवाज लाठी कब हरकत में आती है। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप आगे बढ़कर जालिम को सजा क्यों नहीं देते? ये सवाल मुझसे नहीं, उन गद्दार दौलतमंदों से करो जिन्होंने अपनी दौलत बचाने के लिए शहीदों का लहू बेच दिया। उन बोतल सरमायादारों से करो जो अपने अच्छे मुस्तकबिल की खातिर मुजाहिदों के रास्ते की दीवार बन गए। मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूँ रहमान। मैंने अपने जवान भाई को वतन की खाक पर शहीद होते हुए भी देखा है और अपने सीने पर दुश्मनों के जख्म भी खाए हैं, मगर अब मेरे बूढ़े बाजू थक गए हैं रहमान, मेरे बाजू थक गए हैं। काम जंग हार जाए तो मुल्क खत्म हो जाता है और हौसला हार जाए तो काम खत्म हो जाती है। जवाब दीजिए बाबा, अगर काम ने हौसला भी हार दिया तो इस बदनसीब काम का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं और मेरे साथी इस मरकज तक आ गए हैं। मुद्दतें गुजर गई हैं रहमान, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे गुलामी की जंजीर मेरी कौम का मुस्तकबिल और गम का अंधेरा मेरे वतन का मुकद्दर बन गया है। ऐसा नहीं होगा बाबा, ऐसा नहीं होगा। मेरी कौम अंधेरों में नहीं भटकेगी। मैं शहीदों के खून से चिराग जलाकर कौम को रास्ता दिखाऊंगा। वतन की मुकद्दस जमीन के चारों तरफ अपने खून से वो लकीर खींच दूंगा जिससे दुश्मन के नापाक कदम कभी पार ना कर सकेंगे। आप मुजाहिदों को जमा करने का काम संभाले बाबा, मैं हथियारों के लिए सरमाया जमा करूंगा। मगर सरमाया कहां से लाओगे? मैं चोरी करूंगा बदर। तुम चोरी करोगे? हाँ बदर, तुम अपने पेट की खातिर चोर बने थे, लेकिन मैं उस जबान के लिए चोरी करूंगा जो काट दी गई, उन आंखों के लिए चोरी करूंगा जो निकाल दी गई, उन हाथों के लिए चोरी करूंगा जो तोड़ दिए गए, ताकि फिर किसी अहमद की जबान ना काटी जा सके, किसी मामून की आंखें ना निकाली जा सके और किसी अब्दुल के हाथ ना तोड़े जा सके। Thank you.
आसमान से गिरता तो खजूर में अटकता, दरख्त से गिरा और यहाँ आ गया। और अब यहाँ से कैदखाने जाओगे? आपकी जुल्फों का कैदी तो बन ही चुका हूँ, इस बहाने कैदखाना भी देख लूंगा। तमीज से बात करो, तुम शहजादी अज़रा से मुखातिब हो। तुम कौन हो जी हम दोनों के बीच में बोलने वाली? यह मुस्लिम गिरफ्तार करने से। भाग गया? उसने आपके साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की? की तो है, हमें जख्मी करके। कहाँ जख्म लगा है आपको? दिल पर जी। मतलब ये कि आज हमें अपने दिल पर जख्म खाना पड़ा कि हमारी हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त नहीं। हुक्म हो तो ये खादिम खुद यहाँ पहरा दे। आप तो खुद पहरे में रहने के काबिल। आप तो मजाक कर रही हैं। बहरहाल ये इत्तेफाक था कि वो यहाँ तक पहुँच गया। बड़ा हसीन इत्तेफाक था। हसीन? हमारा मतलब है संगीन। ऐसा संगीन इत्तेफाक आइंदा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं उसकी मौत बन जाऊंगा। हम बहादुरों की कद्र करते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, वो बचकर नहीं जा सकता।
मैं समझा नहीं। कुंद नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुदा हाफिज। हम पूछते हैं वो कौन है जो हमारे दबदबे और जाह जलाल का मुंह चिढ़ाता हुआ हमारे दस्त तक आन पहुंचा। मुझे तो ये मुसलमानों की साजिश मालूम होती है शहंशाह आलम। शमरान, हम मुसलमानों पर तुम्हारी तलवार की धार और अपने जुर्म की इंतहा आजमाना चाहते हैं। उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि तारीख फरागू और चंगेज को भूल जाए। हम हर कीमत पर जवाहरात वापस हासिल करना चाहते हैं, हर कीमत पर। मूसा, ये गरीबों और बेवाओं में तकसीम कर। बिलाल, ये उन मुजाहिदों का हिस्सा है जो माजूर हो चुके हैं। दाऊद, तुम इन जवाहरात के बदले हथियार खरीदोगे। रहमान, तुम जख्मी कैसे हो? कोई इस्तेमाल मत करो रहमान, बचा सकते हो तो मुसलमानों को बचा लो। उनकी बस्तियों पर कयामत टूट पड़ी है। बादशाह के प्यादे उन पर सितम तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होने दूंगा मुगीदा। वही प्यादे बादशाह की शिकस्त का निशान बन जाएंगे। उनके दिल जीत लिए। दिल खरीदे भी जा सकते हैं वजीरे आजम। मत भूलो, जो चिंगारी आज सुलग रही है वो कल छोला भी बन सकती है। हमें हर कीमत पर उसका सर चाहिए। कि हुकूमत के बागी सखी लुटेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 20,000 अशरफियां इनाम दी जाएंगी, और अगर किसी ने भी उसे पनाह दी तो उसे भी सजाए मौत दी जाएगी।
रहमान। ये रहमान का दोस्त है, उसे कावा खाने में तलाश कर रहा था। मगर रहमान तो घर पर नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाए, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी। मगर मैं घर में अकेली हूँ। तो क्या हुआ, मैं जो हूँ। लेकिन रहमान। रहमान मुझे जानता है। मगर तुम। मेरा नाम हबीबी है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता। रहमान ना जाने कब आए, मैं उसके क्यामत तक इंतजार कर सकता। मगर तुम रहमान के कौन? मैं तो उसके कुछ भी नहीं, लेकिन वो मेरा सब कुछ है। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे। या हबीबी, हबीबी है या हैया, हबीबी हा हा हा। मैं यार, तू कब आए? अभी आया। क्या बात है दोस्त, तुम कुछ उदास नजर आते हो। नहीं तो। अरे कुछ तो है, हमसे छुपा रहा है चोर की औलाद। इधर तू उदास है, इधर हमारा यार रहमान उदास रहने लगा है कुछ दिनों से। क्यों? वो इसलिए कि इसे इश्क हो गया है। इश्क? हाँ इश्क। शायद तुम नहीं जानते कि इश्क और मुश्क नजला खांसी खुश्क छुपाए नहीं छुपते कभी। और देख लेना, दो चार रोज तक ये चचा मजनू और फूफा फरहार की तरह गली कूचों में रेंगता दिखेगा और मोहल्ले का बच्चे से इंटे मारेंगे। कौन है वो जिससे इश्क हो गया? अरे तू क्यों गर्मी खा रहा है उस चक्के? वो लड़की है। कौन है वो? वो लड़की, वो लड़की, उसकी हरण जैसी आंखें, पतला सा नाक, गुलाबी होंठ और हाँ याद आया, बकरी जैसी चाल। मैं तुम्हारे लिए शरबत लाऊं? अरे मेरे लिए शरबत नहीं, इसे शरबत दीदार पिला मेरी लुबना। मेरा ख्याल है, अब मैं चलता हूँ। अरे अभी से तलंगे, कुछ गपशप तो लड़ा। सुना है इश्क करने वाले तन्हाई में खुश रहते हैं। बिल्कुल गलत, इश्क हमने भी किया है, हमारे बाप ने भी किया है और हमारा दादा जान। अब तुमसे क्या छुपाना, ईमान से तीन दफा इश्क करते हुए पकड़े गए थे और वो भी बादामी बाग में। लेकिन अल्लाह बख्शे, मरते वक्त वो यही नसीहत कर गए थे कि बेटा आशिक अपने महबूब को हर वक्त अपने दाएं पहलू में देखना चाहता है। मगर मैं तन्हाई नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि मेरे और उसके दरमियान जुल्म की दीवार खड़ी है। किसने ये जुल्म की दीवार खड़ी की? उसके बाप ने। ताज्जुब है, उसके घर में बैठकर उसी के बाप की बुराई कर रहे हो। ये घर, ये जमीन, ये हुकूमत सब कुछ अल्लाह का है हबीबी। उसका बाप यहाँ का बादशाह जरूर है, मगर मालिक नहीं। मैं समझा नहीं। अरे समझने की कोशिश करो तलंगे, ये शहजादी अजरा पर आशिक है। शहजादी अजरा? मेरा प्यार मेरी कौम के मुस्तकबिल से ज्यादा कीमती नहीं है बदर, वो हाथ में वक्त की बेटी है और मैं हुकूमत का बागी। तो क्या हुआ? हो सकता है शहजादी तुम्हें चाहती हो। लेकिन उसका बाप मेरा सर चाहता है। मगर ये फैसला बादशाह का है, शहजादी का नहीं। तुम उसे एक बार आजमा कर तो देखो। हबीबी ठीक कहता है यार, तुम लोग मुझे भी साथ ले चलो, हो सकता है शहजादी तुम्हें ना पसंद करके मुझे ही पसंद कर ले। क्यों मैं? जी हाँ जरूर, मेरा तो ख्याल है आज रात ये फैसला हो ही जाना चाहिए। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम इधर तड़पते रहो और शहजादी उधर। मैंने कहा अबे तू तो शहजादी का चमचा मालूम होता है, तुझे उसका बड़ा ख्याल है। क्यों मैं? यार तू तो पागल है, चलोगे रहमान? मगर जाएंगे किस तरह? मैं ले जाऊंगा। अबे तू ले जाएगा? अबे तू वहाँ क्या दरोगा लगा हुआ है तलंगे? अबे उल्लू मैं चोर हूँ, महल के सारे खुफिया रास्ते में जानता हूँ। शहजादी अक्सर रोज पानी बाग में ठहरने आती है, हो सकता है आज रात उससे मुलाकात ही हो जाए। मजा ही आ जाएगा। तो ठीक, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा यार, मेरी मुलाकात। अरे इतना थोड़ा सा शरबत, कोई
चाटी ही उठा लाती। अब हमें शरबत की जरूरत नहीं, अब तो हम शरबत दीदार पीने जा रहे हैं। क्यों मैं? मगर अभी तक आई क्यों नहीं? बड़े पिता भू रहे हो उसे मिलने के लिए। इश्क बड़ी बुरी शय है या हबीबी, यह आशिकों का मुश्क मार देती है। तू अभी बच्चा है, जब इश्क करेगा तो पता चलेगा तुझे। अच्छा उस्ताद जी, तुम उधर पहरा दो, मैं इधर। ठीक है, ऐसा ना हो शहजादी को मिलते मिलते शाम बता जाए। ठीक है ठीक है, तुम दोनों पहरा दो। ठीक है, मैंने कहा यार जब शहजादी तुम्हें मिले तो मेरे साथ भी जरा मिला लेते। बात तो सुन। अच्छा यार दरख्त वाला। मैं किसी दरख्त वाले को नहीं जानती। वाह, क्यों नहीं जानती? उस दिन तो मुझे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। बता, जिंदगी चाहते तो अभी खामोशी से चले जाओ, वरना मैं सिपाही को बुलाती। मेरा ख्याल ठीक ही निकला, तुम जालिम बाप की जालिम बेटी ही निकली। चला जाता हूँ, मगर ये बेमुरव्वती सारी जिंदगी याद रहे। बीवी, अरे बदर के बच्चे। क्या छोड़ा अपनी चादर के बच्चे? मैंने कहा शहजादी आई थी। हाँ आई थी, अगर चली गई। चली गई तो हबीबी कहाँ है? उधर पैरा दे रहा है। पैरा दे रहा है? हबीबी या हबीबी, हैया हैया, अबे मर जाए तेरी मैया। अबे आहिस्ता बोल, आ रहा हूँ। शहजादी से मुलाकात हुई? हाँ यार हुई थी, मगर ना होने के बराबर। उस दिन इतने प्यार से देख रही थी, आज काट खाने को दौड़ी। अबे तूने को बात ही ऐसी की होगी। मैंने तो यार कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। तुमने उससे इजहारे मोहब्बत किया था? नहीं तो बस यही से तुम मार खा गए हो। अरे तुम्हें उसके हुस्न की तारीफ करना चाहिए थी, फिर इजहारे मोहब्बत करते बस काम बन जाता। यार मुझे ऐसी वैसी बातें करना नहीं आती। तो फिर मुझसे सीखो, आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा? शहजादी से मिलना है तो पहले मोहब्बत किया था। अबे यहाँ बैठो ना। तो फिर बताओ ना मुझे क्या कहना चाहिए, अब भी मौका है। तुम्हें उसे कहना चाहिए तुम कितनी खूबसूरत हो शहजादी। कहो ना। तुम कितनी खूबसूरत हो शहजादी। तुम्हारी चाहत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। तुम्हारी चाहत ने मेरे दिल में आग लगा दी। एक बार फिर कहो जरा जज्बात से। तुम्हारी चाहत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। मुझे आज पता चला है कि मोहब्बत क्या होती है। आज पता चला है कि इश्क क्या होता है। इश्क सारे फासले मिटा देता है। इश्क इंसान को देवता बना देता है। जी चाहता है झील से ज्यादा गहरी नाकों में डूब जाऊं। जी चाहता है अपने और तुम्हारे दरमियान सारे फासले खत्म कर। और हटो यार, मेरी भी तो गल सुनो। मैंने कहा अबे या हबीबी के बच्चे, इतना खूबसूरत मोहब्बत का सबक सुनकर तो शहजादी क्या उसका बाप भी आशिक हो सकता है। रखो मत। हाँ तो रहमान, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो याद हो गया ना? हाँ यार, हाँ यार। अबे इस बगलोल के बच्चों को क्या याद होगा, मैंने तो सुनकर सारा सबक याद कर लिया है। या हबीबी उठो उठो यार, मेरी बात तो सुनो। देखो या हबीबी, कैसा नहीं हो सकता कि ये सबक मैं जाकर खुद शहजादी को सुनाऊं और ये मैदान मार लूं? जरूर जरूर, शहजादी जैसे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अबे कभी अपनी सूरत देखी है? तो क्या मैं बदसूरत हूँ? अरे तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, नहीं तो पूछ मेरी माँ से। जो रहमान बाबा। ठीक है बच्चे, बातों में वक्त मत जाया करो। ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो रहमान। हो सकता है शहजादी दोबारा आ जाए, हम दोनों पहरा देते हैं। चल बदरू तू जा। अच्छा, यानी ईश करे रहमान ते फुटिका सी परिए, ऐ नहीं हो सकता, मैं नहीं जाना। चलो ऐ नौबत आ गई है चौधरी। रहमान गड़बड़ नहीं करना। चल
डर गई होया आशिका। मैं क्या ए ए ए यहां बीबी का पुत्र तेरे कान की क्या जा जा खाना खराब पाजे जी को चक्कर लग रहा है। पता नहीं यह हबीबी का पुत्र मन समझ नहीं आया की शायद है। तुम फिर आ गए। हाँ तुम कितनी खूबसूरत हो शहजादी। तुम्हारी चाहत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। मुझे आज पहली बार पता चला है कि मोहब्बत क्या होती है। आज मालूम हुआ है कि इश्क किसे कहते हैं। हाँ हाँ इश्क किसे कहते हैं। और आगे क्या कहना था। अब तुम ये भी कहोगे कि इश्क सारे फासले मिटा देता है। हाँ खूब याद दिलाया तुमने। इश्क सारे फासले मिटा देता है। इश्क इंसान को पता नहीं क्या बना देता है। जी चाहता है झील से ज्यादा इन गहरी आंखों में डूब जाऊं। अपने और तुम्हारे दरमियान सारे फासले खत्म कर दो। तुम मुझे अच्छे लगते हो अजनबी। क्या नाम है तुम्हारा। रहमान बिन इमरान। कितना खूबसूरत नाम है। लेकिन कुछ देर पहले तो तुम सिपाहियों को बुला रही थी। तुम्हें आजमा रही थी। अगर तुम दोबारा ना आते तो मैं तुम्हें घुसती समझ कर तुमसे नफरत करने लगती। एक बात बताओगी शहजादी। क्या तुम मुसलमानों को क्या समझती हो। अपना दिल। तो बस ठीक है। अगर तुम मुसलमानों से नफरत करती तो मैं तुमसे नफरत करने लगता। रहमान शहजादी तुम जाओ। रहमान कोई आना जाए फिर मिलोगी। मैं तुमसे दूर ही कब हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रही हो। मैं तो अब्दुल्ला बाबा के यहाँ रहता हूँ और तुम इस महल में। महबूब को पहचानने वाली आंख पहचान लेती है लेकिन तुमने मुझे आज तक नहीं पहचाना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तुम मेरे साथ रहती हो। मेरे साथ तो बदर और हबीबी रहते हैं। तुम ना बदर हो ना हबीबी। अब्दुल्ला बाबा भी तुम नहीं हो सकते। बता दो ना शहजादी तुम मेरे साथ किस तरह रहती हो। मैं ख्यालों में तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिल की धड़कन बनकर तुम्हारे साथ रहती हूँ। अब तुम जाओ कोई आना जाए। खुदा खुदा। बीबी बदर। बीबी अबे क्यों चिल्ला रहे हो। क्या फिर मार खा के आए हो। काम बन गया प्यारे। अरे मैं बदर हूँ। बीबी कहाँ है। अरे वो बड़ी काम की शह निकला। बीबी 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 ये तो गलत हो गया। ये तो किया काम से। हबीबी हबीबी बराबर हबीबी।
आज शहजादी बहुत खुश नजर आ रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है। क्या मैं उस जादूगर का नाम पूछ सकता हूँ जिसने शहजादी का दिल जीत लिया है? दिल जीतने वाले का नाम दिल में रखा जाता है, बताया नहीं जाता। मोहब्बत गुनाह तो नहीं जो छुप कर की जाए? पता कीजिए उसका नाम। हया ने हमारे हुस्न दिए हैं। हया गैरों से होती है शहजादी, मैं तो आपका अपना हूँ। हया गैरों से नहीं, अपनों ही से आती है। जब आप मुझे अपना समझती हैं तो बता दीजिए ना। वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। मैं सारी जिंदगी उस वक्त का इंतजार करूंगा। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको कौन सी अदा पसंद आई? अदा उसकी बहादुरी। उसकी बहादुरी? उसकी सादगी। सादगी? उसका भागपन। उसका भागपन? आपने तो हूबहू मेरी तस्वीर खींच दी। जी, सादगी, बहादुरी, भागपन इकट्ठे हो जाए तो शमरान का रूप धार लेते हैं। शहजादी, क्या मैं समझ लूं कि वो खुशकिस्मत जादूगर मैं ही हूं? सोच पर किसी का पहरा नहीं होता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब हम आराम करना चाहते हैं। मैं आपके आराम में मुखिल नहीं होगा। शब बखैर। कहां ये और कहां रहमान? तुम तो पागल हो जो सही लुटेरे से दिल लगा बैठे हो। उसकी बहादुरी ने तो हर लड़की का दिल जीत लिया है। खुदा जाने वो कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा। काश मैं सखी लुटेरे को एक बार देख सकती। मैं नहीं जानती कि हम कौन हैं? जी नहीं। कोई है जो इस लड़की को बता सके कि हम कौन हैं? कोई नहीं। तो सुनो, दुनिया में आज तक सिर्फ एक सखी गुजरा है और दूसरा सखी गुजर रहा है। पहला सखी हातिम था जो अपनी ताई की वजह से मशहूर हुआ। दूसरा सखी मैं हूं जो अपनी बेतहाशा सखावतों की वजह से मशहूर हो चुका। मैं सखी लुटेरा हूं। सखी लुटेरा? सखी लुटेरा? सखी लुटेरा? सखी लुटेरा? सखी लुटेरा जो मांगा नहीं छीना करता है, जो खरीदा नहीं लूटा करता है। हम तुम्हारा मुंह मोतियों से बंद कर देंगे,
तुम जाओ तो पूरा कहरा खाना खरीद ले। शरीफ रखिए, आप तो नाराज हो गए। नाराज होना हमारा पेशा है और मान जाना हमारा फर्ज है। अरे तुम मजाहजीरा, तुमने सिर्फ हमारा गुस्सा देखा है लेकिन हमारा प्यार नहीं देखा। हम प्यार भी कर सकते हैं। जरा ये छुरी निकालना। आओ हमारे पहलू में बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने ना मानकर सही लुटेरे की तोहिन की है। ऐ हसीना, हम तुम्हारे कहवा खाने को आग लगा देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। क्या तुम सही लुटेरे के चाहो जलाल से बाहर नहीं? क्या तुमने उसकी ताकत नहीं देखी? कौन बदतमीज है? सिंगारा साहब, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर चाय की पत्ती में बरादा मिला दिया जाए तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। सखी लुटेरे को जी, मैं सखी लुटेरा नहीं जी, आप तो मैं तो मजाक कर रहा था जी। सखी तो कभी मेरे खानदान में भी कोई नहीं गुजरा। तुम ही सखी लुटेरे हो? अरे क्यों, मेरी भरपूर जमाने से धोखा खा गए हो। सखी लुटेरा तो बहुत बड़े। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे। नहीं नहीं बाबा, ये बिजली की तरह किधर लपक रही है? तुमने कुछ सुना? तुमने आज तक कुछ सुनाया है? ये मजाक का वक्त नहीं जाफर, रहमान पकड़ा गया। रहमान पकड़ा गया है, ये तो बड़ी खुशी की बात। जाफर, मेरे रास्ते का कांटा खुद निकल गया है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? तुम्हें रहमान के मुतलिक ऐसा सोचते हो, शर्म आनी चाहिए। मेरे शर्म करने से क्या होता है? गिरफ्तार वो हो ही चुका है, एक दो रोज तक उसे फांसी भी हो जाए। इसीलिए तो कहता था कि परदेशियों से दिल नहीं लगाया करते, मगर तुमने मेरी एक ना मानी और तुम मेरी बनकर होगी। ऐसा नहीं होगा, अगर रहमान को कुछ हो गया तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम जिंदा रहोगी मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। छोड़ दे मुझे जलील कमीने। तन्हाई में हाथ आए हुए शिकार को नादान छुड़ा करते हैं लुटना। मैं तुम्हें तुमसे सीख लूंगा। तुझे लुटने पर बुरी नजर डालने की जरूरत किस तरह हुई? मुझे किस मुंह से बगैरत क्या है? अब रहमान को कान में लाकर अपनी आंखों पर तो पट्टी बांध सकते हैं, मगर मैं उसे और लुपना को गुनाह का खेल खेलते हुए नहीं देख सकता। लुपना पर मेरा हक है। खामोश, लुपना चूहे का ताव नहीं जिससे तुम बेईमानी से जीत सको। तो फिर मैं अपना हक छीन लूंगा। हो जा मेरी नजर से। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरे घर में कदम रखा मैं तुम्हें आग करता हूँ। ये हुक्म देने से पहले मुझे रहमान का गिरेबान थाम कर ये तो पूछ लेने दिया होता कि सारी दुनिया को नेकी और शरावत का सबक देने वाला सही लुटेरा अपने ही मौसम की आबरू क्यों लूट रहा है? चले जाओ यहाँ से। ये आपने क्या किया? जिस्म का कोई हिस्सा अगर खराब हो जाए बेटी तो उसका काट देना ही बेहतर है। मैं जाफर को ऐसा नहीं समझती थी, वो तो रहमान की गिरफ्तारी पर खुश हो रहा था। ये तुम क्या कह रही हो लुमना? मैं तो रहमान को अभी घर छोड़कर आ रहा हूँ। तो क्या रहमान गिरफ्तार नहीं हुआ? रहमान, रहमान क्या हुआ? बदर गिरफ्तार हो गया। बदर पकड़ा गया? हाँ, अभी अभी इतला मिली है, बदर कावा खाने में अपने सखी लुटेरे होने का ऐलान कर रहा था। खाना खराब, कभी अच्छी खबर न लाना। क्यों, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं पहले ही जानता था कि उसकी शेखी एक दिन जरूर मुसीबत लाएगी, मगर अब उसे हर कीमत पर बचाना पड़ेगा। अपनी सजा खुद ही तजवीज करो, बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? वही सजा जो बहादुर बहादुरों को दिया करते। सलाखें कर्म की जाए। सलाखें? क्या कबाब खिलाओगे? नहीं, तुम्हारे कबाब बनाएंगे। नहीं, मेरे कबाब खाओगे तो हर वक्त हिन हिनाओगे, दुलतियां छाड़ोगे, घास खाते फिरोगे पागल। नहीं बख्ता, अब भी मौका है। सच सच बता दो कि तुम कौन? मैं कौन हूं?
न तुम पूछो कि मैं कौन हूं और न मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो। और मैं बहुत दुखी इंसान हूं, मेरी हाय ना लो वरना बीमार हो जाओगे। इसे उल्टा लटका दिया जाए। मुझे चमगादड़ समझ रखा है क्या? मेरे जापानी मेंढक, अल्लाह तेरी नाक सलामत रहे। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता। तो फिर तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मेरे साथ मुझे मुझे माफ कर दिया जाए। खामोश ना खाए हुक्म की दामी लोग। उसकी जेब काट कर रख दूंगा। ओ संगारा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरे तरकोने पिया आए कहो हां दगाबाजो। टिंग टंग टिंग टंग रंग रंग। सुबह हो चुकी मेरे तरकोने, अभी तक नाश्ता नहीं आया। यह साबित हो चुका है कि तुम ही सखी लुटेरे हो। अगर साबित हो चुका है तो फिर ठीक है, मैं सखी लुटेरा हूं। लहजा आज सुबह सूर्य निकलने से पहले तुम्हें कत्ल कर देने का हुक्म हुआ है। यार मुझे को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। ये किस बदतमीज ने हुक्म दिया है? हमाश गुस्ताख, शहनशाह ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया है। उस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन हो तुम? भाई मौत। जल्दी भाग चलो, सुबह होने वाली है वरना मेरी गर्दन मार देंगे। मेरे पीछे आओ। तुम नहीं चलोगे? नहीं नहीं, हम तीनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। इकट्ठे रहे तो पकड़ी जाएंगे। अभी भी ठीक कहता है। चलो रहमान बाबू। मैंने अभी अभी एक नौजवान को आपके कमरे में दाखिल होते देखा है। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आया। मगर तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? यहाँ कोई नहीं आया।
जी हाँ, यहाँ कोई नहीं आया, मेरी गलत फहमी थी, इजाजत चाहता हूँ। शब बखैर। क्या कह रहे हो सुमरान? हमें शहजादी पर इतने संगीन इल्जाम का सबूत चाहिए। वक्त आने पर सबूत भी दे दिया जाएगा शहंशाह आलम। अगर ये सच हुआ कि सखी लुटेरे के साथी को रिहा कराने में अजरा का हाथ है, तो हम अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार देंगे। नहीं आलम पना, इस मामले में जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। हम सिर्फ शहजादी के जरिए सखी लुटेरे तक पहुंच सकते हैं। सखी लुटेरे तक पहुंचने के लिए आपको मेरी जरूरत होगी। कौन हो तुम? जाफर बिन अब्दुल्ला। अगर तुम उसे गिरफ्तार करा दो तो हस्बे ऐलान तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। मेरा सबसे बड़ा इनाम सखी लुटेरे की गिरफ्तारी है शहंशाह आलम। लेकिन तुम इतने यकीन से ये किस तरह कह सकते हो कि वो जरूर गिरफ्तार हो जाएगा? इसलिए कि मेरे अलावा उसके ठिकानों से कोई वाकिफ नहीं, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। आप शाही प्यादे मेरे साथ कर दीजिए, मैं सखी लुटेरे को उनके हवाले कर दूंगा। हम खुद तुम्हारे साथ जाएंगे, और अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो हमारी तलवार सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उतारेगी। मुझे मंजूर है। यहां से आप उस पहाड़ी के दामन तक पहुंच जाएं, गार के अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि गार में उसके साथी भी होंगे, और गार के अंदर ऐसे खुफिया रास्ते भी हैं जहां से वो आपकी आरसों का फरार भी हो सकता है। मगर तनहा जाने में तुम्हारी जान का भी तो खतरा है। वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं उसे बातों में लगाकर बाहर ले आऊंगा, फिर आप उसे मेरा इशारा पाते ही गिरफ्तार कर लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम उस पहाड़ी के दामन में तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। शिकार को मौत बनकर ढूंढ लिया करता है रहमान। इसे मेरी खुशनसीबी कह लो या अपनी बदनसीबी कि तुम बिल्कुल तन्हा हो और बाहर मेरे बेशुमार साथी मौजूद। फरार होने की कोशिश बेकार है रहमान। ये दीवारें तुम्हें पनाह नहीं दे सकती। आज इस कार का हर चोर दरवाजा मौत की दहलीज पर खुलेगा। शाही प्यादे तुम्हारा मुहासरा कर चुके हैं। लुपना मुझे ठुकरा कर तुम्हें हासिल करना चाहती थी, मगर मैं तुम्हें हटाकर लुपना को हासिल करूंगा। यही किस्मत का फैसला है, और आज इसी फैसले का दिन है। हाँ, आज इसी फैसले का दिन है। बाबा, तुम बहुत देर से आए जाफर, मुझे इसी दिन का इंतजार था। मगर आप? हाँ मैं, और आज मुझे ये फैसला करना है कि बेटे का इंतखाब करूं या वतन का, अपने खून को जिंदगी दूं या काम को मौत के सुपुर्द कर दूं। बाबा, मुझे बाबा मत कहो, बदनसीब है बाबा जिसका तुम जैसा बेटा हो, बदकिस्मत है वो मुल्क जिसकी खाक से तुम जैसा गद्दार पैदा हो। नहीं जाफर, अभी फैसला नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरे बेटे के चेहरे पर गुलाब की स्याही, आंखों में दौलत की चमक और पेशानी पर गद्दारी की तरीन नहीं है। सुमरान! ये जाफर की आवाज मालूम होती है। आओ मेरे साथ। Hey!
मुजफ्फर। तो सखी लुटेरा बच निकला। दारोगा, उसे तलाश करो, वो यकीनन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम कहां जा रहे हो रहमान? मैं नहीं जानता, मगर परदेसी और पंछी अपने ठिकाने ढूंढ लेते हैं। लुटना मेरी खातिर इस घर को बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया रहमान, अपनी कौम के मसीहा को बचाया है। मैंने वो हाथ काटा है जो कौम के नामूस की कीमत वसूल करने वाला था। मैंने तो उस गद्दार को मारा है जो वतन की आबरू का सौदा करने वाला था। मैंने वो शोला बुझाया है रहमान जो कौम के मुस्तकबिल को जलाकर राख कर देने वाला था। मैंने अपना फर्ज अदा किया है रहमान। तो फिर ये आंसू क्यों निकल आए? ये आंसू जाफर की मौत पर नहीं निकले रहमान, ये आंसू मैं अपनी बदकिस्मती पर बहा रहा हूं कि लोग मुझे गद्दार का बाप कहेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। अपने आंसू पहुंच लो बाबा, जाफर को अपने हाथों कत्ल करके आपने उस दाग को धो दिया है जो आपके दामन पर लगा था। अब कोई आप पर उंगली ना उठा सकेगा, कोई आपको गद्दार ना कह सकेगा। मेरे गब पर आंसू बहाकर मुझे जाफर के गुनाह का और एहसास न दिलाओ बेटी, खामोश हो जाओ बेटी, खामोश हो जाओ। अल्लाह के नाम पर बाबा, 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 अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पर बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। अरे हबीबी, कहाँ घूमते इतने दिनों से? बड़ा मसरूफ था, बस आना था। और मैं जो तड़प रहा था तेरे लिए, उसका कोई ख्याल नहीं है? जी चाहता है तेरा मुंह चूमूं। मगर क्यों? तेरे जरिए शहजादी से मुलाकात हो गई, मिलने मिलाने के वादे हो गए, और तू पूछ रहा है क्यों? मगर यार, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, अगर मैं तुम्हारे काम आ गई तो क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। अरे जालिम, आज इस खुशी में गले लग जा। नहीं यार, कोई देख ले तो। अबे तू तो लौंडियों की तरह शर्मा जाता है, चला इधर। अबे चल। वो बदर कहाँ है? अरे उस घोड़े का जिक्र छोड़, कुछ शहजादी की बातें बता, कुछ अपना हाल सुना, कुछ हमारा हाल पूछ। छोड़ो इन बातों को, तुम इस तरह बाहर आने जाने में एहतियात बरतो, चप्पे चप्पे पर हुकूमत के मुखबर मौजूद हैं। मगर मेरे मुतल्लक तो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथी तो ये जानते हैं ना कि तुम ही सखी लुटेरे हो। मेरे साथी मेरे बाजू हैं, अभी कभी गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दार गैरों में नहीं अपने में पैदा होते हैं रहमान, ऐसा ना हो कि तुम पकड़े। सखी लुटेरा कैद खाने में मौजूद है, घेरा डाल कर गिरफ्तार कर लो। बहुत बेहतर आराम पला, आओ मेरे साथ। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला,
जो ना दे उसका भी भला। गिरफ्तार कर लो सही लुटेरे को। सही लुटेरा तो भाग गया है आलमपना। भाग गया है? अरे हम तो खतरे से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। हाँ, सेवा खाने से ये सुरंग सीधी जराती है। शहर किस तरफ है? वो उधर करीब है। तो फिर जल्दी से चलो, मुझे जरूरी काम। यार मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, सुरंग में बड़ी गर्मी थी, मैं नहा कर जाऊंगा। तो फिर जल्दी से नहा लो। तुम भी नहा लो। मैं? हाँ। नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। अबे तू तो लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहा है। हाय अगर तू लड़की होती तो मैं तुझसे ही शादी करता। आजा दोनों मिलकर नहाएंगे। क्या जिद्दी, तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगा। अबे तू पानी से डरता है क्या? हाँ मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो ले आज मैं तेरा सारा डर निकाल दूंगा। चल उतार कपड़े। कपड़े? हाँ जल्दी उतार कपड़े। नहीं नहीं मैं खुद उतारता हूँ तेरे। अबे हबीबी तू बचकर नहीं जा सकता, मैं आज तुझे नहला कर रहूंगा। अब बता पकड़ा गया ना? ठहरो अब माना है। मैं खुद उतारता हूँ कपड़े। अरे वो क्या है? अभी बड़ा चक्कर बाज निकला, मगर मेरा नाम भी रहमान है। पकड़ा गया है, चलो उतार कपड़े। अभी छोड़ क्या मुसीबत है, उतारता हूँ कपड़े। उतारता है, पहले मुंह उधर करो ताकि तू भाग जाए। नहीं यार मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अबे तू तो लड़कियों को भी मात कर गया है, इसमें क्या मैं उतार देता हूँ कपड़े। बस 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 इतना ही काफी है। यार रहमान एक बात तो बताओ। कहो। यार पहले वादा करके सच सच बताएगा। वादा? ले वादा रहा। मेरा नहाना जरूरी है। है तेरे की, मैं समझा पता नहीं क्या जरूरी बात पूछने लगा है। देख रहे बीबी तेरा नहाना मेरी जिद बन गया है। फिर तो मैं जरूर नहाऊंगा, दोस्त की जिद पूरी हो जाए और क्या चाहिए। शाबाश, तू इतनी देर में कपड़े उतार, मैं नहाने की तैयारी करता हूँ। देख ले भागना नहीं। हाँ अभी भाग भी अभी भी। मैं लोगों के लिए शहजादी हूँ, मगर तुम्हारे लिए तो मैं हबीबी हूँ। मगर तुम हबीबी बनकर मुझे धोखा क्यों देती रही? तुम्हें आजमाने के लिए, देखना चाहती थी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। मगर कोई इतने अरसे भी आजमाता है? मोहब्बत करने वाले तो सारी जिंदगी आजमाए जाते हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि शहजादी को भेष बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जी, मैं झूठ का सहारा कमजोर लिया करते हैं बेटी, और तुम एक ताकतवर हुकूमत की शहजादी हो। सच सच कह दो कि तुम हुकूमत के बागी सखी लुटेरे से मिलकर आई, क्या ये झूठ है शहजादी? नहीं, ये सच है। तो फिर ये भी सच होगा कि तुमने सखी लुटेरे के साथी को हमारी कैद से रिहा कराया? जी हाँ, ये भी सच है। तुम्हारा ये इकरार तुम्हारी मौत भी बन सकता है शहजादी। मैं मौत से नहीं डरती, उस दिन से डरती हूँ जब हमारा जुल्म हमारी हुकूमत की मौत बनेगा। इस लहजे में बात कर रही हो अजरा? लहजे में सच की तलखी शामिल हो गई है अब्बा हुजूर। मुझे तो अपने आप को जालिम हुकूमत की शहजादी कहते हुए भी शर्म आने लगी है। जुल्म छोड़ दीजिए अब्बा हुजूर, पर मजलूमों के हाथ आपके गिरेबान तक पहुँच जाएंगे। हम उन हाथों को काट देंगे अब्बा हुजूर। खबरदार, आइंदा तुम महल से बाहर कदम रखने की जरूरत न करना।
ये हमारा हुक्म है। ऐलान कर दिया जाए कि सही लुटेरे को गिरफ्तार करने वाले के साथ शहजादी अजरा की शादी कर दी जाएगी। ये आप क्या फरमा रहे हैं आलमपना? बगावत की वो चिंगारी शहजादी अजरा के रूप में शोला बन चुकी और हम हर कीमत पर इस शोले को बुझाने का फैसला कर चुके हैं। मगर सही लुटेरे के सर की कीमत शहजादी नहीं हो सकती। एक मामूली लुटेरे को गिरफ्तार करने के लिए शहजादे की जिंदगी दांव पर मत लगाइए आलमपना। हमने एक बागी के बदले बागी का सौदा किया है शमरान। कोतवाल, हुक्म की तामील हो। हर खास आम को मतला किया जाता है कि जो शख्स सखी लुटेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराएगा उसके साथ शहजादी अजरा की शादी कर दी जाएगी। आज बादशाह ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी है रहमान। तो क्या हुआ?
जब तक मेरे बाजुओं में ताकत और हाथ में जुल्म के खिलाफ उठने वाली तलवार है, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मगर मुझे डर है कि फिर कोई जाफर न पैदा हो जाए। जब खुदा फिरौन के लिए मूसा और नमरूद के लिए खलीलुल्लाह पैदा कर सकता है, तो उस जाफर के लिए भी जरूर कोई अब्दुल्ला पैदा कर देगा। झूठी तो सही है नादो रहमान, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी याद में तड़प सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लालची इंसान तुम्हारे हाथों में जंजीरें पहनाकर तुम्हें मौत के हवाले कर दे। यहाँ से चले जाओ रहमान, यहाँ से चले जाओ। हाँ लुबना, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हुजूर के ऐलान ने अवाम में जोश पैदा कर दिया। हर शख्स सखी लुटेरे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। झूठ मत बोलो कोतवाल, अगर ये बात सच है तो वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? शहंशाह आलम, एक शख्स सखी लुटेरे को गिरफ्तार कराने के लिए हाजिर हुआ है। पेश किया जाए। मैं आदाब बजा लाता हूँ। तुम सखी लुटेरे को गिरफ्तार करा सकते हो? जी हाँ, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाया जाए कि सखी लुटेरे की गिरफ्तारी के बाद शहजादी अजरा की शादी हस्बे ऐलान मेरे साथ कर दी जाएगी। शहंशाहों के फैसले अटल होते हैं। बहुत बेहतर, मैं शाह वक्त के फैसले पर यकीन करके सखी लुटेरे को हुजूर के सामने पेश करता हूँ। सखी लुटेरा हाजिर है। तुम सखी लुटेरे हो? जी हाँ, लोग मुझे ही सखी लुटेरा कहते हैं। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। गदरदार है कि कोई आगे बढ़ा। अपना वादा पूरा करो शहंशाह। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही सखी लुटेरे हो? इसका सबूत ये तलिस्मी तलवार है जो जंजीरें भी काट सकती है और तुम्हारे महल की मजबूत दीवारें भी। आजमाना चाहते हो तो इसे भी आजमा लो। हाँ लाओ, ये हमें दे दो, हम इस तलवार को आजमाना चाहते हैं। तुम्हारे बाजू इस तलवार को ना चला सकेंगे वजीर आजम। सबूत मैं दूंगा, यकीन तुम कर लेना। ठीक है, हमें सबूत मिल गया, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। शाम की चौधरी को शहजादी अजरा से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। आज से तुम शाही मेहमान। रहमान शुक्रिया अदा करता है। यहाँ कोई खतरा तो नहीं? खतरा? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि यहाँ कोई बादशाह के आदमी तो नहीं? नहीं तो। तुम्हारा कोई आदमी? नहीं। कोई चौकीदार, कोई पहरेदार, कोई नौकदार, कोई दुमदार? नहीं, कोई नहीं। कोई भी नहीं? तुम्हें लग जा मेरे गले से। मैं शहजादी के होने वाले शोहर का खासुल खास चमचा और मैं शाही चमचा होने की हैसियत से तुम्हें ये हुक्म देता हूँ लड़की कि हमारे सीने से लग जा। क्यों? ये हमारा हुक्म है। आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? शहजादी की खासुल खास चमची और चमचा चमची के बगैर जिंदा नहीं रह सकता लड़की। क्या तू हमारे रोब के नीचे नहीं आएगी? नहीं। एक बार फिर कहो कि नहीं। नहीं, नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, एक बार मुझे अपना बना ले फिर देख मजा। मैं तुम जैसे ठीक लोगों को सजा देना खूब जानती हूँ। हाय, जरा मुस्कुरा कर वार करें। छोड़ दो मेरा हाथ। कैसे छोड़ दूं जाने मन? अब्बा जान ने कहा था, बेटा किसी औरत का हाथ पकड़ो तो छोड़ मत देना वरना मैं बहुत मारूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर मेरी राह में सारी जिंदगी तड़पोगी। मैं आखिरी दफा कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। और मैं पहली दफा कहता हूँ कि मुझे अपना होने वाला शौहर समझकर मुझ पर से कुर्बान हो जाओ। हो जाओ। अच्छा चला जाता हूँ, जब मेरी याद आए
तो मेरी याद में आंसू बहा लेना। अरे रहमान तू? जी चला जाओ। नहीं पछताओगी? मैं तुम्हारी शिकायत शहजादे से करूंगी। कोई बात नहीं, अगर तू मेरी शिकायत शहजादे से करेगी ना तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। मैंने जो कुछ कह दिया वो तो तुमने सोच लिया है। शादी की बात है, शर्माओ नहीं। कोई बात नहीं, सबकी शादियां होती है ऐसी कोई बात नहीं। इधर कल हम तुम्हारे एजाज में जश्न मना रहे हैं ताकि सबको मालूम हो जाए कि तुम हमारे होने वाले दामाद। शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जश्न पर खर्च होने वाली रकम गरीबों में बांट दी जाए। हमें अपने दामाद के ख्यालात जानकर खुशी हुई। जश्न भी होगा और गरीबों में दौलत भी तकसीम की जाएगी ताकि लोग हमारे वादे की कीमत जान लें।
ये कौन बदतमीज है? कहता था कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब यह कि अब जिंदगी तुमसे दूर और मौत बहुत करीब है। तुम समझते थे कि हम तुम जैसे लुटेरे के साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे, मगर ये धोखा है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है लुटेरे। तुम शहजादी से मोहब्बत करते थे, यहाँ आ गए। हम तुमसे जंग कर रहे थे, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। कार धोखे बाद फरेबी, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम्हारी तलवार हमारे पास है लुटेरे, यही है ना वो तिलिस्मी तलवार जिसमें तुम्हें इतना घमंड था कि यहाँ तक आ गए, और अब तुम्हारी मौत भी यही आएगी। गिरफ्तार कर लो इसे, तलवार की इबादत की जाए। मुझे पहले ही पता था कि तू गलत रास्ते से ही आएगा, लेकिन मेरी तलवार अंदर आ गई। तलवार अंदर आ गई तो फिर भाग चलो, वरना बेमौत मारे जाओगे। अरे भागो, इधर आ बड़े आशका, इधर आ, जो दरवाजा इधर है। लाहौल बन, और मुझे क्या बन गया है कि तलवार दोबारा हासिल कैसे की जाए। अब हुई ना बात, मेरा दिल और दिमाग कहता है कि ये फिर उसी गार में जाए, और जिस बुजुर्ग ने इनको तलवार दी थी उसी बुजुर्ग को मस्का लगाए और दूसरी तलवार दो चार दिन के लिए उधार मांग ले। तुम तो पागल हो यार, और तुम बड़े सही उल्टी माँ हो। चले थे शहजादी से शादी करने, तिलिस्मी तलवार भी दिया है। सुना है कि बादशाह ने तिलिस्मी तलवार को बुद्ध से निकालने का हर कीमत पर फैसला किया है। ठीक है, कर लिए तो कर ले। मुझे यकीन है कि मेरे अलावा वो तलवार और कोई ना निकाल सके। तलवार सिर्फ सखी लुटेरा ही निकाल सकता है। तुम ठीक कहते हो, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो आएगा, वो यहां जरूर आएगा। Thank you.
हाथों मर गई तो मैं सारी जिंदगी खुद को मुजरिम समझता रहूंगा। आज तुमने मेरे लिए हथियार डाल दिए तो मैं खुद को क्यामत तक मुजरिम समझती रहूंगी। हथियार फेंक दो, हम इसकी जिंदगी बख्श देंगे। विप्लव को भीख में मिली हुई जिंदगी नहीं, इज्जत की मौत चाहिए। कमरान, हम हथियार नहीं डालेंगे। बाबा, बेबसी की मौत नहीं मरेगी। रहमान, आज मेरे खून ने मुझसे एक बार वतन के लिए कुर्बानी मांगी है। मैं उसे नाउम्मीद नहीं करूंगा। लुबना की जिंदगी का सवाल है। लुबना की जिंदगी इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। अगर तुम हथियार फेंक कर मुझे जिंदगी देना चाहते